अब रुक करते हैं शिमला की ओर। शाही सफर करना है तो चले आइए शिमला। 16 से शिमला कालका रेलवे रूट पर दौड़ेंगे 3 चार्टर्ड कोच। विश्व धरोहर में शुमार शिमला कालका रेलवे रूट पर रेलवे की ओर से 3 चार्टर्ड कोच का संचालन 16 नवंबर से शुरू किया जा रहा है। इसे लेकर रेलवे के अधिकारियों ने आदेश जारी किए हैं जिसमें शाही अंदाज में सफर किया जा सकेगा। चार्टर्ड कोच का संचालन सर्दियों की छुट्टियों में यात्रियों की सुविधा को देखते हुए किया गया है। वहीं सीजन में होने वाली वेटिंग को कम करने के लिए भी ये कोच सहायक साबित होंगे। अधिकारियों ने बताया है कि RA-100 झरोखा और साथ ही RMC यानी रेलवे मोटर कार का संचालन 16 नवंबर से अगले साल 15 जनवरी तक किया जाएगा। रेल मोटर कार है 8 सीटर, वहीं RS-100 और झकोरा 8 सीटर है। रेल मोटर कार RMC 12 और 14 लोगों के बैठने की व्यवस्था है और झकोरा कोच को ट्रेन के साथ ही ले जाया जा सकता है। 6 या उससे ज्यादा लोगों के लिए ही बुकिंग हो सकेगी और RS कोच 100 को 6 या उससे ज्यादा लोगों के लिए बुक किया जाएगा। वहीं रेल मोटर कार और झकोरा का आनंद लेने के लिए कम से कम 8 यात्रियों का होना जरूरी है। बुकिंग के समय यात्रियों को अपना पहचान पत्र भी लाना होगा। अगर न्यूनतम सैलानी नहीं आते हैं तो टिकट खरीद चुके हैं तो आपको कालका या शिमला के टिकट काउंटर से टिकट का पूरा पैसा रिफंड भी कर दिया जाएगा। इन चार्टर्ड कोच की बुकिंग कालका या शिमला रेलवे स्टेशन पर ही कराई जा सकेगी। वहीं बुकिंग यात्री से एक दिन पहले करंट बेसिस पर कराई जा सकेगी। किसी भी ऑनलाइन पोर्टल पर इसके टिकट्स उपलब्ध नहीं है। इस कोच में टिकट में किसी भी तरह की छूट प्रदान नहीं की जाएगी। साथ ही बुकिंग के लिए स्टेशन अधीक्षक कालका या शिमला से संपर्क किया जा सकता है। 2 घंटे में सर्विस दी जाएगी और टिकट बुक होने के 2 घंटे के अंदर ही रेलवे यात्रियों को चार्टर्ड कोच उपलब्ध कराया जाएगा और टिकट की वैधता भी एक दिन के लिए होगी। और इस जानकारी के बाद सभी लोग फिलहाल खुश नजर आ रहे हैं।